हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 31 दिसंबर 2023 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, नए साल से डीजल और पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेगी प्रदेश सरकार सुक्खू। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश, ई वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा, 50% अनुदान मिलेगा ई टैक्सी खरीद पर। 2733 पहुंची प्रदेश में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, 185 वाहन है सरकारी विभागों में अभी। लंबे रूटों पर ई बसें चलाने की तैयारी, कंपनी से उपयुक्त बसें तैयार करने का अनुरोध। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल शुरू, 4 राज्यों की रुकी तेल आपूर्ति, प्रदेश के 10 जिलों को गैस सिलेंडरों की भी नहीं गई गाड़ियां, हो सकता है संकट। तो यहां पे जिला के ट्रक ऑपरेटरों ने सड़क दुर्घटना को लेकर नए कानून के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। तो ये दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर ऑपरेटरों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के नए कानून से ट्रक ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक भी हड़ताल पर रहेंगे। बाकी ऊना के ट्रक चालक सड़क दुर्घटना को लेकर नए कानून का विरोध यहां पे कर रहे हैं, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ब्यूल बान के पौधे लगाएं जंगल बचाएं। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने दिए सुझाव, चारे के लिए उपयोगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नववर्ष से पहले रोहतांग, कुंजुम दर्रा, बारालाचा में बर्फबारी, शिमला में छाए बादल, प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में आज बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। तो इधर आप पिक्चर्स में देख भी सकते हो, रोहतांग की पहाड़ियों पर हुआ हिमपात। नेक्स्ट अपडेट ये रही, FCA और FRA की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी सरकार, मुख्यमंत्री। सुक्खू बोले, ऊर्जा वन विभाग की बनाई जाएगी कमेटी, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप का दूसरा चरण जल्द। इसके बाद बात करें तो कैबिनेट बैठक जो है कल होगी, मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी वो कल होगी। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, राहत आज जो है रात 11 बजे तक चलेंगी शटल बसें टैक्सियां। HRTC पुराने बस अड्डे से चलाएगा बसें, CTO चौक से जो है चलेंगी टैक्सियां। नेक्स्ट अपडेट ये रही, रिज पर होगा जश्न, 300 जवान होंगे तैनात, रात 10 बजे तक बजेगा DJ। 5 सेक्टर में बंटा शहर, नववर्ष पर पर्यटकों के लिए किया विशेष DJ डांस का प्रबंध, शहर की सभी पार्किंग पैक, कई जगह लगा जाम, 25,000 सैलानी 2 दिन में पहुंचे शिमला शहर में। ओके, नेक्स्ट अपडेट यही, विंटर कार्निवल चंबा और शिमला के कलाकारों ने खूब नचाए दर्शक, नाग सांस्कृतिक दल सामरा ने गद्दी नृत्य, शिवरंजनी सांस्कृतिक दल बलग ने नाटी से लूटी वाहवाही। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कुल्लू मनाली में साहसिक गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे सैलानी, नववर्ष पर कुल्लू में लगा सैलानियों का जमावड़ा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, IGMC में नियमित कर्मचारियों के पद रिक्त, एक कर्मी के हवाले कई विभागों का काम। तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज है रिक्त पड़ी हुई IGMC में, और यहाँ पे कहा गया है। ओके, तो ऐसे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।